तो दोस्तों भी भाभी आ चुकी हैं। बस हो वाला है। गाड़ी लगवा दीजिए ना, एक लोग चले जाइए, गाड़ी भैया दोनों गाड़ी आई है। कहाँ पर है? बाहर गेट पे गाड़ी है, जाइए गेट पे जगह देखो, गाड़ी पास करवा के पहले तो गाड़ी अंदर लाना पड़ेगा ना। हाँ अभी अंदर आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा भाभी जी, अंदर में आ जाएगा, घबराइए मत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और ठीक रहना चाहिए। दोस्तों बहुत 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 खुशखबरी है, खुशखबरी की बात यह है कि सालू जी का लड़का हो गया है। और जैसे कि आप लोग को नहीं मालूम होगा तो आप इस वीडियो में पूरा सब कुछ जानेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ है, बात मतलब जो भी है आप लोग सब इसमें पता चलेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि इतना वेट करने के बाद, इतना इंतजार करने के बाद फाइनली आज आके हुआ है। और बेचारी का ऑपरेशन करने के लिए लेकर जा रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, बट ऑपरेशन नहीं हुआ वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल होना था। आप लोगों को जैसे सब अपडेट तो मिला ही है, मिला ही होगा। और जैसे कि अपडेट यही था कि मतलब ऑपरेशन के लिए ऊपर चढ़ाने लेके जा रहे थे, फिर से गुड़िया जी और रजनी जी दोनों ने मिलकर कहा कि नहीं नॉर्मल कराना है तो कराना है, और नॉर्मल हुआ भी है। तो सबसे खुशी की बात है कि चलो नॉर्मल ही हो गया, ठीक है। नॉर्मल न होने का चांस था, भगवान सब लोगों ने दुआ किया, इतना प्रे किया कि भगवान सच में उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ और लड़का हुआ है। हम लोग को तो यही लग रहा है कि लड़का हुआ है, क्योंकि लड़का अगर नहीं होता तो मतलब अलग ही कुछ अलग दिख रहा है। लेकिन सालू जी कहती थी कि लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, तो लड़की भी हो सकती है, लेकिन हमको हमारा यही है कि हमको लग रहा है कि लड़का हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या लग रहा है आप जरूर सजेस्ट करिएगा मेरे को। और मेरी तो मैं आप लोगों को मालूम ही है, मेरे पीछे मेरे बाबू सोया है या सोई है, आज आप लोगों को क्लियर होगा कल के वीडियो में, आप लोग ये भी देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग सालू जी का पता करिए क्या हुआ है, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है लड़का हुआ है, और आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है बाबू? लग रहा है लड़का ही हुआ, जैसे गुड़िया बहुजी जैसे लेकर फूल माला के साथ आ रही थी, उसे लग रहा है कि शायद लड़का हुआ है। और मान लीजिए दोस्तों मेरे घर भी बाबू आया है, आया है, ये आप देख सकते हैं तो दोस्तों फाइनली आप लोग को ऐसा लग रहा है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा इनके कहने का मतलब है कि इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है लड़का होगा, तो मेरा ये मतलब नहीं है। देखिए लड़का लड़की भी होगी तो भी कन्हैया भैया इतना खर्चा करेंगे क्योंकि उतना दिन से कमा के जो रखे हैं यूट्यूब से, तो इसलिए वही बात, लड़का लड़की में कुछ बंटवारा नहीं है। फ्लैट तो देख सकते हैं कि इतनी खुशी है उन लोग अंदर। और जैसे हम लोग अभी बाबू हुआ तो बहुत खुश थे, अभी भी खुश है, अपने लाइफ टाइम खुश रहे, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि अपना वही होता है और आने वाले फ्यूचर में अपना ही रहेगा। तो दोस्तों और कन्हैया भाई को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत खुशी की बात है, सबसे खुशी की बात है जितना सालू जी जितना डांस करती थी, और डांस करने के बाद भी नॉर्मल बच्चा हुआ है, उसके लिए कंग्रेचुलेशन। और सालू जी को भी बोलना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है कि एक आपके पास भी बाबू आया। और सबको जैसे रजनीति के पास भी था और सबके पास था, लेकिन सालू के पास नहीं था, तो सालू जी के पास भी बाबू आ गया। और देखिए इन लोग का कुछ अलग ही होगा, मतलब आज गोरखपुर भौजी भी आई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोग देखिए कितना खुशी का फल है। सालू जी पकड़ के खूब रोने लगी, सालू जी का फोन है, क्या करें बताइए। हम वीडियो नहीं दोस्तों बना रहे थे, क्या करें, हम देख रहे थे सब लोग वीडियो बना रहे हैं बट वीडियो नहीं बना रहे। देखिए बोलेंगे तो गुस्सा भी हो रहे हैं बहुत लोग, वीडियो नहीं बना रहे थे दोस्तों, लेकिन पल पल फोन करते रहते थे, इनके पास नहीं करते थे, नेचुरल के पास करते थे, हम सोचते परेशान हो जाएंगे, हम खुद नहीं सो पा रहे थे जब तक बच्चा नहीं हुआ, जब तक हमको पता नहीं चला। हमको दोस्तों जब बच्चा पैदा हुआ उसके 2 मिनट बाद ही पता चल गया है ना, हमको तुरंत कन्हैया बताया, उसके बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम कूल हो गई और बहुत अच्छा लगा। तो भाई दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कि जैसे कि कितना अच्छे से मनाया जा रहा है, और गुरुप्रिया बहुत जाकर कितनी खुशी से मतलब सब डेकोरेट कर रही है, तो आप लोग देखे ही होंगे।